नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एचआईवी एड्स के बारे में। जी हां दोस्तों, एचआईवी एड्स के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा कि इसके क्या लक्षण है, क्या इसके उपचार है और क्या इसके कारण है, एचआईवी एड्स होने का क्या कारण है। तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो पूरा देखें एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बटन उस पर हिट कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जी हाँ दोस्तों, ये एक इस वायरस की वजह से होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर जो ये वायरस होता है हमारी इम्यूनिटी पे अटैक करता है और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कमजोर कर देता है। दोस्तों आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वैसे इसके ऊपर काफी अफवाह भी है, कुछ मिथ्स हैं, जो उन मिथ को अगर मैं क्लियर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में तो वो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैं कुछ एचआईवी से जुड़े हुए मिथ है उनको बस्ट करने वाला हूं। और आज जो मैं बता रहा हूं आपको कि एचआईवी जो होता है एक वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स होता है। एचआईवी एक शुरुआती स्टेज है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है एड्स की, जो इसके अंदर एड्स हो जाता है यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसकी वजह से जो बीमारियां होती है। एचआईवी की वजह से पेशेंट कभी नहीं मरता है, पेशेंट जब मरता है तो एचआईवी की वजह से जो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, उस वजह से जो हमारे शरीर पे बीमारियां अटैक करती है तो उस बीमारी की वजह से पेशेंट मरता है, चाहे वो लीवर फेलियर हो या किडनी फेलियर हो या फिर न्यूमोनिया हो या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो वो उस वजह से पेशेंट की डेथ होती है, न कि एचआईवी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, और ये जो बीमारी है सबसे ज्यादा असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलती है। अगर आप सेक्स करते समय कॉन्डोम वगैरह का यूज नहीं करते हैं तो ये बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो। दूसरा इसका होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, अगर आप किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड आपको दे दिया जाए या उसके ब्लड के संपर्क में आप आ जाएं, या फिर आपको अगर कोई घाव हुआ है और उसके ब्लड के एचआईवी ब्लड के संपर्क में आप आ जाएं तो आपको एचआईवी हो सकता है। या इन्फेक्टेड सुई या सिरिंज की वजह से, कि जैसे अभी गांव में देखा जाता है कि जो पहले, आजकल तो नहीं होता कह रही है, पर पहले बहुत ज्यादा होता था कि जो एक लोहे की सिरिंज होती थी जिसको ही वो उबाल उबाल के यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, तो इन्फेक्टेड सुई अगर किसी एचआईवी एड्स के पेशेंट को लगाई है, अगर वही इन्फेक्टेड सिरिंज है उसके आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो आपको एचआईवी होने के चांसेस, क्या एचआईवी हो ही जाएगा, चांसेस नहीं है, हो ही जाता है एचआईवी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके अलावा अगर बात करें एचआईवी होने के कारणों के बारे में, तो प्रसव के दौरान अगर माँ को एचआईवी है तो बच्चे को भी एचआईवी होने के पूरे चांसेस होते हैं, और स्तनपान के दौरान भी एचआईवी होने के चांस है, क्योंकि अगर माँ को एचआईवी है तो बच्चे को भी एचआईवी हो सकता है स्तनपान के दौरान। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने वाली है। और अब बात करते हैं इसके जो लक्षणों के लिए, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो आप जाके पहले देख लीजिए वो वीडियो, तो उसमें आपको सारे लक्षण पता लग जाएंगे एचआईवी एड्स के क्या लक्षण है। अब हम बात करते हैं इसके उपचारों की। जी हाँ दोस्तों, एचआईवी का जो उपचार है उसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है, काफी जो साइंटिस्ट है रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आयुर्वेद में भी इस पे काफी रिसर्च चल रही है, और जल्दी हम आपके लिए खुशखबरी भी लेके आएंगे इसके लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने जो नंबर भी आपके साथ साझा किए हुए हैं, पर अभी तक इसका उपचार पूर्णतः सफलतापूर्वक एलोपैथिक के पास तो अवेलेबल नहीं है, आयुर्वेद में इसका हम काफी अच्छे से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जैसे ही कोई सफलता कोई न्यूज मिलती है, बहुत अच्छी न्यूज मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर इसके अंदर सबसे जो एक बेसिक फंडा ये होता है कि इसके अंदर बचाव ही इसका उपचार है, और साथ ही अगर जिन लोगों को एचआईवी हो चुका है उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि हेल्दी डाइट फॉलो करें, क्योंकि इसके अंदर इम्यून जो सिस्टम है वो कमजोर होता है, तो हेल्दी डाइट फॉलो करें, फ्रूट्स हैं सब्जियां उनका सेवन करें, और साथ एक हल्दी का जो इसके अंदर बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है, बहुत ही अल्टीमेट इसका जो यूज है, हल्दी आप उसका यूज करें, हल्दी को दूध में डाल के उबाल के उसको हल्दी का यूज करें, और जूस का यूज, जूस जितने भी होते हैं उन जूसेज का यूज करें, जूस इसके अंदर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं दोस्तों। और उसके अलावा जो बाकी एलोपैथिक में तो फिलहाल एआरटी ही है जो कि इसका काम जो यूज करते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसके अंदर जो स्किन में ब्लैकनेस आ जाती है, वजन कम हो जाता है, बहुत से अलग अलग इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये
कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें थी जो कि आपसे शेयर किए मैंने। नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि मिस बस्टर है उस लेके आऊंगा वीडियो। तो आज का जो जानकारी मैंने एक बेसिक नॉलेज देने के लिए आपको मैंने वीडियो बनाया था कि HIV के ऊपर एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको जानकारी दूं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, फटाफट से जो लाल बटन है उसको हिट करें, दबा दें उसको और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और अगर वीडियो आपको ऐसे ही देखने हैं आगे भी तो बताइए कुछ कमेंट में हमें जाके, और ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और धमाकेदार लेके आऊं उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए